कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर गुटबाजी सामने आ गई है। पोस्टर में सिर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है और पोस्टर से उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर गायब है। सचिवालय कूच कार्यक्रम वाले पोस्टर में प्रीतम सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली के नेताओं के साथ प्रीतम सिंह की तस्वीर है। प्रीतम सिंह ने अपने कार्यक्रम की जानकारी संगठन को नहीं दी और ना ही बड़े नेताओं को न्योता दिया। साथ ही अपने कार्यक्रम के पोस्टर्स में दूसरे नेताओं की फोटो और नाम भी नहीं छपवाए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सामने आ गया कि गुटबाजी की एक नई खबर, पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह उन्हीं की तस्वीर है, बाकी कोई भी उत्तराखंड का नेता इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और जानकारी लेते हैं, मेरे साथ ही रवि कैंतुरा जुट चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए पहले भी बार बार ये कहा गया कि कभी उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलता ही नहीं है, हालांकि कई बार बयानबाजियां खुलकर होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। अब देखिए पोस्टर सामने आया है जिसमें सिर्फ प्रीतम सिंह की तस्वीर है, बाकी सारे नेता खफा हैं। जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो नाराज हैं इस तस्वीर के बाद से। बिल्कुल दीपा, देखिए इस तरीके की चर्चाएं कांग्रेस के भीतर भी हैं कि जिस तरीके से जो विधायक हैं चक्राता से कांग्रेस के प्रीतम सिंह, उन्होंने 21 तारीख को सचिवालय कूच का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान की न तो संगठन को कोई जानकारी है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने कोई न्योता दिया। ऐसे में अब जिस तरीके से पोस्टर उन्होंने छपवाए हैं जो कि यहाँ पर कूच होना है, उस कूच में हालांकि केंद्रीय हाईकमान जो है उनके फोटोज तो लगाए गए हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं, उसमें एक भी फोटो प्रीतम सिंह के साथ नहीं है। ऐसे में प्रीतम सिंह एक अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने संगठन से बात की है, खुद प्रदेश अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें ना तो कोई जानकारी दी गई और जब उन्हें बताया नहीं गया है तो वो इस कोच में शामिल भी नहीं होंगे। तो ऐसे में एक अलग राह पर चलते हुए प्रीतम सिंह दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो सिर्फ एक ही यही मसला नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तराखंड में शुरू हुई है, सबसे बड़ा प्रोग्राम इस वक्त कांग्रेस का उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन इसकी जो बैठक प्रभारी देवेंद्र यादव ने ली थी उसमें भी प्रीतम सिंह मौजूद नहीं आए, और उसमें भी किसी बैठक में ना आने के साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कभी कोई बात भी नहीं कही और ना ही उस यात्रा में वो कभी शामिल हुए। ऐसे में अब जिस तरीके से उन्होंने कूच का ऐलान किया है, उस कूच में जहां उन्होंने प्रदेश स्तरीय बड़े नेताओं के ही फोटोज गायब कर दिए, मतलब क्या हो सकता है, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, बहुत तरह की बातें चल रही हैं, बहुत कयासबाजियां भी चल रही हैं। शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।